पता नहीं, सुनना तो मुझे था माननीय प्रधानमंत्री जी से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से, आउटसोर्स कर दिया क्या है संबित पात्रा को। अब सरकार की जुबान भी, सरकार की मंशा भी वही बोले। क्रिकेट कौन खेल रहा है भाई, बीसीसीआई में कौन बैठा हुआ है, नहीं पता है क्या हमको? यह संबित पात्रा को नहीं पता, उनको ये समझना होगा ना कि जिस दिन हमने अपने जवान खोए, एक 29 दिन के बच्चे ने अपने पिता को खोया, उस दिन फूल वर्षा करवा रहे थे आप लोग, पुष्प वर्षा हो रही थी G20 के सफल होने की। आयोजन दो दिन नहीं रुक सकता था, ये दोहरा चरित्र नहीं चलता है, दोहरे चरित्र के साथ हिंदुस्तान सांस लेना भूल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, आपकी मर्जी हो तो हवाई जहाज को अफगानिस्तान से लाहौर उतरा दें, इस्लामाबाद होता है, बिरयानी खाए, आपके लोग बिजनेस कर रहे हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और उनकी शहादत के वक्त में आप जश्न मना रहे हैं, ये विजुअल दर्ज हो गया। आप लाग कहन, वो कहते हैं ना शेक्सपियर का जो है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया शैल नॉट बी एबल टू स्वीट एट योर हैंड, दैट्स द रियलिटी। अपने सर की बात हो, लेकिन ये बातें जो बार बार आती है, फारूक अब्दुल्ला साहब का जिक्र है, सैफुद्दीन सोद का जिक्र है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, इस मुतालिक आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं, पाकिस्तान से बात हो तो हमारी शर्तों पे हो, हमारी शर्तों पे। और बात ऐसा नहीं कि नहीं की है, हिंदुस्तान ने बात की है, कई दफा बात की है। बस लेके अटल जी गए थे, मैं तो कंधार वाले हाईजैक का जिक्र भी नहीं करना चाहता हूं कि बीजेपी के वक्त में क्या क्या हो रहा था। फिर भी मेरा मानना है कि साफ तौर पे एक कमिटमेंट जब तक ना हो पाकिस्तान का कि टेरर लैब्स के लिए, कि डेसिमेशन के लिए मैं अपने यहां कोशिश करूंगा, मुकम्मल करके दिखाऊंगा, तब तक बातचीत मैं समझता हूं कि आधी अधूरी होगी, कोई बात नहीं हो पाएगी। कभी वो दौर था जब महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे